हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने साइंस के फर्स्ट सेट पेपर का लगभग क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। इसके आगे के क्वेश्चन आज हमें करने हैं और आज मैं ये सेट पेपर पूरी तरीके से खत्म करा दूंगा। तो जैसे कि बच्चों, इसका बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। मैं इसकी पीडीएफ आप सभी को सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये पूरे क्लियरली है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। हाँ जी, तो नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर द, अच्छा, F1 F2 जनरेशन याद रखना बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेंडल ने प्लांट में F1 F2 जनरेशन के लिए कुछ काम किए थे। कैसे काम किए थे उन्होंने? क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया जिसके अंदर जीन थे बड़ा टी यानी कैपिटल टी, और एक ड्रॉफ यानी एक बोना पौधा था, ड्रॉफ प्लांट था जिसके अंदर थे छोटा टी। तो उन्होंने F1 जनरेशन बनाने के लिए क्या किया कि भाई एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्रॉफ प्लांट ले लिया, और इनके अंदर जो यानी जीन कॉपी हो रहे थे वो किस प्रकार से हो रहे थे, यानी इनके जो जीनोटाइप बने यानी F1 जनरेशन के लिए काम बन रहे थे, इनके जो जीनोटाइप थे बच्चों वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आपको पता ही है ये इसके जीन है जो कि जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब कैपिटल टी दिखा रहा है टॉल को और स्मॉल टी दिखा रहा है किसको, ड्रॉफ को, मतलब इसके फिनोटाइप को। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो बड़ा टी छोटा टी, 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 फिर बड़ा टी छोटा टी। तो हमने क्या देखा, F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो जीनोटाइप बने, सारे के सारे जो जीनोटाइप बने वो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब बच्चों, आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव होता है। रिसेसिव होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट का मतलब हुआ प्रभावी, डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, प्रभावी, और इसका अप्रभावी मतलब क्या बच्चों, कि अगर एक भी कैपिटल टी आ जाए, एक भी कैपिटल टी आ जाए तो प्लांट हर हाल में टॉल ही होगा, लंबा ही होगा। मतलब कि भाई ये टी अपनी डोमिनेंसी को दिखाता है, टी अपनी किसको दिखाता है, कैपिटल टी अपनी डोमिनेंसी को दिखाता है कि अगर भाई मेरे पास एक भी बड़ा टी है तो मैं उसे टॉल कर दूंगा, और अगर दोनों छोटे टी हैं तब ही ड्रॉफ होगा, तब ही बोना पौधा होगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि अप्रभावी का मतलब क्या हुआ, रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई अगर उसके ऊपर दवा बनाना चाहता तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉल जो होते यानी टी जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं डोमिनेंट, जबकि छोटे टी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये देखा कि हम बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी बड़ा टी जीनोटाइप जो है वो किस प्रकार के फिनोटाइप देगा, फिनोटाइप मतलब लक्षण, टॉल के, छोटा टी कैसे देगा, ड्रॉफ के। तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये सारे जीनोटाइप तो आ गए F1 जनरेशन के, कौन से जनरेशन के, F1, और जो इन्होंने फिनोटाइप दिया, लक्षण दिया, वो क्या दिया, टॉल 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 और टॉल। ठीक है, अब बच्चों चेंज कब आता है, चेंज आता है हमेशा सेकेंड जनरेशन के बाद। तो हम सेकेंड जनरेशन में देखेंगे, अब F2 जनरेशन में देखते हैं, हम किसमें देखते हैं, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में हम क्या देखेंगे, F2 जनरेशन में हम देखेंगे कि हम F1 जनरेशन के दो उठा लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 वालों के फिनोटाइप हैं। अब इनको ब्रेक करो, टी छोटा टी, टी छोटा टी, ठीक है, टी छोटा टी। अब क्या हमने देखा कि बच्चों जब इनका यानी जीनोटाइप, इनका जो जीनोटाइप है ये बन चुका है जीनोटाइप, न्यू जीनोटाइप। अब इनका भी क्रॉस कराओ, तो जब क्रॉस कराओगे तो आप क्या देखोगे, बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी, मतलब कैपिटल दोनों टी
एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों स्मॉल। तो हमने क्या देखा बच्चों, ये हमारे पास न्यू जीनोटाइप आ गए, न्यू जीनोटाइप आए। किसमें आए न्यू जीनोटाइप हमारे? ये हमारे F2 जनरेशन के लिए आए, ठीक है। F1 जनरेशन के हमने जीन उठाए, लेकिन अब जनरेशन कौन सी आई? F2। अच्छा, और F2 जनरेशन में जो हमारे पास फीनोटाइप बना मतलब लक्षण बना, वो क्या बना भाई? मैंने क्या बताया था, एक भी बड़ा टी आ जाए तो लॉन्ग होगा, तो यानी कि टॉल होगा। एक भी बड़ा टी आ जाए टॉल होगा, एक भी बड़ा टी आ जाए टॉल होगा, यहां तो दोनों ही छोटे हैं, ड्रॉफ। तो हमने बच्चों ये देखा, हमने ये देखा कि बच्चों जब हम एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो पहली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट लंबे होंगे, लेकिन जब पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जाएंगे, तो पहली जनरेशन के जब दो प्लांट्स को मैंने आपस में क्रॉस कराया, तो मैंने देखा कि तीन प्लांट तो लंबे हुए और एक प्लांट क्या हो गया? बोना। तो मतलब यह है कि अगर मैं एक लंबे प्लांट और एक बोने प्लांट को आपस में क्रॉस कराता हूं, तो F2 जनरेशन में मुझे तीन लंबे प्लांट और एक बोना प्लांट मिलेगा, ठीक है बच्चों? नोट कर लो, चार नंबर में आया हुआ है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। और याद रखना, हमेशा डोमिनेंट जीन ही अपना इफेक्ट दिखाता है, तो डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। चलिए, हो गया, वीडियो पॉज करके कर लिया होगा ये नोट। ठीक है, हाँ जी, अब देखेंगे। अब आता है बच्चों, ये नोट्स हैं, एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने ये पढ़ भी रखा है कि एक्वायर्ड ट्रेड मतलब क्या, जो हम एटमॉस्फेयर से जो चीज हम कैरी करते हैं। तो जैसे देखिए, पढ़ते हैं एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड, एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब क्या, अपने लाइफ के दौरान वो जो भी अपने बॉडी में चेंजेस देखता है वो एक्वायर्ड ट्रेड होता है। इनहेरिटेड क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड्स फ्रॉम इट्स प्रोसीजर्स, मतलब क्या कि वो अपने पूर्वजों से वो चीज लेकर आता है। जैसे फेस का मिलना, आपके आपके फेस का, आपके पापा, आपके दादा, इस तरीके से आपके पापा के खानदान से, आपकी मम्मी के खानदान से आपके फेस का मिलना, तो ये क्या है? ये हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट प्रेजेंट इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब क्या कि जरूरी नहीं है, एक्वायर्ड ट्रेट में ऐसा जरूरी कभी नहीं होता कि भाई अगर किसी बॉडी में चेंज आ गया तो ऐसा कभी नहीं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मान लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों से कि आज हमारे इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं वो थोड़े सांवले हैं, ठीक है, सांवले होते हैं, लेकिन अगर आज की ही समय का इंडिया का बच्चा अगर जन्म किसी ठंडे प्रदेश में लेता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जैसे प्रदेश में लेता है, तो वो देख लेना 100% उसका जो मतलब जो उसके बॉडी होगी वो बिल्कुल अमेरिकन जैसी बॉडी हो सकती है, मतलब वो बहुत ज्यादा गोरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसने वहां के एटमोस्फेयर से एक्वायर्ड किया, एटमोस्फेयर से वो चीज ली है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, और अगला इनहेरिटेड ट्रेट में, प्रेजेंट इन द जेनेटिक मेकअप, मतलब क्या, इनहेरिटेड ट्रेट में क्या होता है कि वो हर हाल में आपके सारे मतलब जो अभी प्रेजेंट में दिख रहे हैं उन सब में वो चीज दिखाई देगी, बिल्कुल। ये कोई कहता है कि भाई दादा से मैच करता है, इसकी हरकत भाई नाना से मैच करती है, इसकी हरकत इसके पापा से मैच करती है, इस तरीके से कैसे भाई? क्योंकि भाई वहां पर हम प्रेजेंट इनहेरिटेड ट्रेट में जो उसको बिल्कुल मिल जाए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके शक्ल बिल्कुल डिट्टो बिल्कुल पापा से मैच कर जाती है अपने, ठीक है, बिल्कुल सेम, अगर उनको रख दे तो बिल्कुल टू कॉपी। भाई भी ऐसे होते हैं, टू कॉपी मैच कर जाते हैं। रीजंस, क्योंकि बच्चों वो हमें हमारे पूर्वजों से लगातार मिलते जा रहे हैं। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट में कभी कभी ऐसा होता है कि अब जैसे मान लीजिए परिवार में सारे कम हाइट के हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभी एक ऐसा बच्चा जो बहुत लंबा हो जाता है। रीजन, क्योंकि उसको एक्वायर्ड ट्रेट की वजह से, आसपास के एटमोस्फेयर की वजह से उसकी बॉडी में भी चेंज आते हैं। अगला, एक्वायर्ड ट्रेट इन नॉट इनहेरिटेड होता है, मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप चार पांच भाई हैं और आपके एक में कोई ज्यादा चेंजेस है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसा दिखाई देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनहेरिटेड ट्रेट में ऐसा जरूरी होता है। अगला, इसमें डीएनए का कोई रोल नहीं होता एक्वायर्ड में, जबकि इनहेरिटेड में डीएनए का रोल होता है, ठीक है, जैसे बॉडी वेट या ब्लड ग्रुप वगैरह,
ठीक है, जैसे बॉडी वेट जो है एक्वायर्ड ट्रेट है। अब अगर आपके परिवार में मान लीजिए सब भारी भरकम है और अगर एक बंदा थोड़ा हल्का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो आपके परिवार में मैच नहीं कर रहा, उसको एक्वायर्ड ट्रेट मतलब उसको एटमोसफेयर सूट नहीं किया, इस वजह से हो सकता है वो क्या हो, कम कम वजन का हो, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप आपको 100% किससे मैच कराएगा, इनहेरिटेंस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज पढ़ा रखा है मैंने, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगला वेस्ट डिफ्यूजल कैसे करते हैं, तो मैंने 3 R के बारे में बताया है। पहला रिव्यूज मतलब क्या, टू से नो थिंग्स वन डजेंट नीड, मतलब जिस चीज की जरूरत ना हो उसे भाई यूज ना करें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लाइट जला रहा हूँ, ठीक है, अभी मुझे पता है कि इस तरफ मुझे लाइट की जरूरत है, तो मैंने क्या किया भाई, अभी अरेंजमेंट नहीं है लेकिन कल की क्लास में आपको यहाँ पे एक लाइट दिखेगी और प्रॉपर लाइट होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी हो, तो मैं यहाँ पे ये 2-3 लाइट नहीं जलाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही लाइट जलाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग के हिसाब से आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमने देखा कि बच्चों यहाँ पे लाइट की थोड़ी कमी लग रही है क्योंकि इससे बच्चों को दिखने में हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन आज मैंने जो भी लिखा है वो सब आपको समझ में अपने आप आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ कि भाई सारी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया उसको रिफ्यूज किया, जितने की जरूरत है उतने को मैंने क्या कर लिया, यहां पर यूज कर लिया, ठीक है। आगे रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करना, कम से कम यूज करना किस चीज का, अगर नीड नहीं है तो यूज नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग ना करते हुए भी मैं यहाँ पर 4-5 लाइटें जला के बैठा हुआ हूँ आराम से, तो फिर क्या है, ये तो बेवकूफी एक तरह की, ठीक है। तो रिड्यूस कम से कम यूज कीजिए जितनी जरूरत है। अगला रीयूज दोबारा यूज कर लीजिए, मतलब जैसे हमारे घर में अखबार आता है, ठीक है, तो हम उसे पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, कबाड़ी वगैरह जो भी होते हैं उनको बेच देते हैं। लेकिन देखो वो कबाड़ी में बेचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गया, कुछ लोग उसी को यूज करके उसका देखते हो गया आप एनवलप बना देते हैं, लिफाफा बना देते हैं, और उसी को बाद में हम रीयूज मतलब हमें उसी चीज में सामान डाल डाल के दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि उन चीजों का हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अगला रिपर्पज, रिपर्पज मतलब क्या कि भाई व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस देन इट शुड बी टू पुट टू यूज फॉर सम अदर पर्पस, फॉर एग्जांपल ओल्ड क्रॉकरी कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। हाँ जैसे भाई क्या मान लो बर्तन लिया हमने, अब बर्तन लिया उसका यूज नहीं हो रहा, टूट गया या किनारा टूट गया, अब लोगों को अच्छा नहीं लगता कि भाई मेहमान के सामने वो किनारे में भाई परोसे कुछ, जग है जग किनारे से टूट गया, तो क्या करें, उसको हम वास बना देंगे, क्या बना देंगे, वास बना देंगे, उसमें कोई छोटे मोटे प्लांट लगा देंगे ताकि वो क्या हो, ग्रो करके हमारे लिए एक हरियाली जैसा माहौल क्रिएट करें। आगे रिसाइकिल दोबारा यूज कर लेना, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है, अब प्लास्टिक को आप जला दो दबा दो तब भी वो खत्म नहीं होता, तो उससे बेटर है क्या, क्या करेंगे हम उस प्लास्टिक का रीयूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे। जैसे कोई भाई बोतल है उसको काट के अपने पेन का केस बना लो, तो इस तरीके से हम उसका अच्छा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट है, हाँ वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जा सकती है, तो मैंने बताया था भाई आजकल लोग घर बनवाते हैं अपने, और अपने घरों के नीचे, अपने घरों के साइड में चारों तरफ से पाइप डलवा देते हैं और अपने घर के नीचे एक बेसमेंट भी बनवाते हैं और बेसमेंट के अंदर टंकी लगवाते हैं, टैंक लगवाते हैं बहुत बड़ी बड़ी, क्यों, ताकि बारिश का पानी जो हो वो डायरेक्ट उसी में आ जाए और वो सारा जो पानी होगा वो हम क्या कर पाएंगे, आने वाले बुरे वक्त में उसका हम यूज कर पाएंगे। तो बच्चों इस वजह से हम लोगों को ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग की। लोग अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का वो लगवा लेते हैं और फिर ऊपर छत पे सोलर सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं ताकि उसका दोबारा इवेपोरेट करके पानी साफ करके फिल्टर करके उसे गर्म पानी करके हम क्या करते हैं ठंड के टाइम पे यूज कर लेते हैं। तो बच्चों आजकल ये धीरे धीरे लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी का फायदा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल अब, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आपने लेंस और मिरर का चैप्टर एक बार भी रिवाइज किया है तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर से दूर रखते हैं तो ये यू होता है, क्या होता है, यू, यू मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख देता हूं यहां पे
यू बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस और मिरर, लेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस मिरर एंड इमेज, ठीक है। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस और मिरर, ठीक है। फिर एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट करो इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट कर लिया, अब देखो वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लिया करो, ठीक है। हाँ जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब क्या कि भाई डिस्टेंस कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, 60 सेंटीमीटर। अब याद रखना यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। आगे कह रहा लेंस जो है वो कनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, पहले ही बता दिया इसने, कनकेव लेंस है। और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको कितनी, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 30, कितनी दे रखी है 30। याद रखना भाई कनकेव लेंस में फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, कनकेव लेंस में हमेशा फोकस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फिर आगे कह रहा है यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, चलो यानी हमें वी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है जी। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ये होता है हमारा क्या भाई, लेंस फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू पुट करो बात खत्म। एफ कितना है, माइनस 30, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, वी हमें पता नहीं माइनस, और ये यू कितना, माइनस का 60, तो माइनस का 30 1 बाय वी, माइनस माइनस प्लस का 1 बाय 60, उठा के इस तरफ ले आओ, ये प्लस की चीज इस तरफ आके बच्चों माइनस की, हाँ जी 60 30 का एलसीएम 60, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 2, 60 को 60 से करेंगे 1 आएगा, हाँ जी। तो माइनस 2 और 1, माइनस 3 अपॉन 60, 1 बाय वी, 3 से कैंसिल आउट 20, तो पलट देंगे माइनस 20 वी, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। आगे उसने क्या पूछा है, आगे पूछा है चार कैरेक्टर बताओ इमेज के, नेचर बताओ। याद रखना बच्चों जब भी वी नेगेटिव आएगा कनकेव लेंस में, वैसे कनकेव में हमेशा माइनस ही आता है, जब भी माइनस आएगा तो समझ लेना इसे हम कहते हैं क्या भाई, इसे हम कहेंगे वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कनकेव में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या पूछा आपसे, पोजीशन, तो पोजीशन तो बता ही दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, साइज, और क्या पूछा है कि भाई इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, तो बता दिया इरेक्ट होगा, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें पूछी हैं। बाकी साइज पूछा बच्चों, साइज नहीं आएगा इसमें, साइज पूछा है तो साइज बच्चों निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि साइज का फॉर्मूला होता है वी अपॉन में यू एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है, ये होता है साइज का फॉर्मूला। चलो वी आपने निकाल लिया, यू आपने निकाल लिया, ना आपके पास एच आई है ना आपके पास एच ओ है, तो निकालोगे कहां से, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और चलो मान लो, मान लेता हूं मैं कि इसकी हाइट जो है, हाइट मान लेता हूं मैं इसकी, मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, वी कितना है माइनस 20, यू कितना है माइनस 60, ठीक है, एच आई कितना है, एच आई नहीं पता, एच ओ कितना, 5, तो क्या होगा, या एक काम करो 3 मान लो, चलो 3 मान लिया, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 3 से 3 कट गया 1, तो यानी कि इमेज कितनी आ गई भाई 1 सेंटीमीटर, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अच्छा क्या है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ द रेजिस्टेंस ज्वाइन इन द पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इन द सर्किट 12 ओम। कह रहा है इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू रेसिस्टर ऑफ 12 ओम ईच आर ज्वाइंड इन पैरेलल 6 वोल्ट की बैटरी, तो बताओ कितना करंट जाएगा। चलो भाई ठीक है, करके दिखा देते हैं। पहले तो उसने बोला है, पहले तो देखो क्या बोला है इसने, ये बोला है कि ये प्रूफ करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ कि आखिरकार, उसने ये बोला है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि आखिरकार पैरेलल में जब भी हम कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसके रेसिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, टोटल रेसिस्टेंस आता है, वो रेसिप्रोकल में ही क्यों आता है, उल्टा ही क्यों आता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। इसने कहा आपके पास तीन रेसिस्टर है, तो भाई जब तीन रेसिस्टर है तो मेरे पास तीन कंडीशन भी होगी, ठीक है जी। मान लीजिए तीनों रेसिस्टर के लिए मैं एक कंडीशन बना रहा हूं V1 I1 R1, दूसरी कंडीशन बना रहा हूं V2 I2 R2, और तीसरे रेसिस्टर के लिए कंडीशन बना रहा हूं V3 I3 R3। यही है ना भाई, यही है। अच्छा अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना आप लोग। हाँ जी, करंट, एक बात बताना, करंट क्या होगा, करंट क्या होगा कि जब भी सर्किट एक बनाया जाता है, एक ही सर्किट बनाया जाता है। मान लीजिए इसने पहले बोला कि पहले सर्किट देख लो, सर्किट कुछ इस तरीके का बना हुआ है, सर्किट कुछ इस तरीके का बना हुआ है, पैरेलल ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है जी। ये बना हुआ है हमारा सर्किट, बड़ी बैटरी छोटी बैटरी, और ये इस तरीके से यहां पे लगेगा की, ठीक है, और यहां पे लगा दिया हमने एम मीटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है जी। चलो और इनके ऊपर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, ये सॉरी इसके ऊपर नहीं, इन सब के ऊपर लगा दो एक वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और इसे R1, इसे R2, इसे R3, ठीक है ठीक। और यहाँ से करंट जाएगा इनमें, तो इसमें करंट जाएगा I3, इसमें करंट जाएगा I2, इसमें करंट जाएगा I1, ठीक है, सब में करंट फ्लो करेगा। और ये की ऑन कर दो यहां से, ऐसे ये बन गया सर्किट। कह रहा है तीन रेसिस्टेंस हमारे पास, और तीनों रेसिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता ही है वोल्ट मीटर इसके पैरेलल होता है और एम मीटर इसके सीरीज में होता है, ये सारी बातें हम पहले ही जान चुके हैं। अच्छा अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक काम करो, हमें यहाँ पे किसके लिए आंसर निकालना है, रेजिस्टेंस के लिए, तो चलिए काम करिए। हाँ जी एक काम करते हैं, सो यहाँ पे आई करंट निकाल लो, क्योंकि करंट सबसे डिफरेंट है इनके लिए, तो यानी V1 R1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके क्या करेगा डिवाइड, तो ये आ गया I1। फिर इसके लिए निकाल लो V2 अपॉन R2 I2, फिर यहाँ पे V3 अपॉन R3 और ये I3। इस तरीके से मैंने इसमें क्या कर दिया बच्चों, तीन ये निकाल दिया। अब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, लेट द इक्विवेलेंट वैलेंट इक्विवेलेंट क्या निकालने भाई, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर लेना पड़ेगा, आई की वैल्यू यहां से भी निकाल दो, V अपॉन आर आई, तो ये बन गया। अच्छा इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ बताओ भाई, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल। अब चलो टोटल निकाल दो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, टोटल। अच्छा अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अपने बेसिक्स में क्या पढ़ा है, हमने बेसिक्स में ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस, हमने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों उसका करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, यही पढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल, जब रेजिस्टेंस के साथ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जरूर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा,
होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। हाँ जी, तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट की जगह पर कौन आएगा? वी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको इसको मान लूं फर्स्ट, इसको मान लूं सेकंड, इसको मान लूं थर्ड, तो फर्स्ट को सेकंड को थर्ड, बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हम इन तीनों के द्वारा क्या देखेंगे? हम इन तीनों के द्वारा ये देखेंगे कि जो आई है, इक्विवेलेंट करंट है, इक्विवेलेंट करंट है, वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ कि ना भाई? यही होगा ना, टोटल करंट तो ऐड कर दो। अच्छा, अब I किसके बराबर है? V अपॉन R। I1 किसके बराबर है? V1 अपॉन R1। I2 किसके बराबर है? V2 अपॉन R2। I3 किसके बराबर है? V3 अपॉन में I3। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात बताना, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जब I और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो भाई प्रोपोर्शनल हटते ही एक फिक्स चीज लगती है, क्या? वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मुझे यहाँ पे V1, V2, V3 बांधने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब I और R का रिलेशन चल रहा है तो वोल्टेज तो वहां पर क्या रहेगी? सेम। तो यहाँ पे हर जगह पर V1 हो चाहे V2 हो चाहे V3 हो, हर जगह पे क्या पुट कर दो? हर जगह पर V पुट कर दो। क्यों? क्योंकि I और R का रिलेशन इनवर्सली होता है, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है? V आती है। तो इसलिए हमने हर जगह पे क्या पुट कर दिया? V। अब V कॉमन ले लो यहां से, तो V अपॉन में R, यहां से V कॉमन लोगे, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से V कट गया 1, तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। और क्या हमने पैरेलल की कंडीशन यही बनाई है? हाँ जी बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड। करो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं 5 का 4 का, देखो करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी के ऊपर फिर एक न्यूमेरिकल भी है इसके सेकंड पार्ट में, ये इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ए, इसको नोट करो, फिर सेकंड पार्ट कराता हूं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, नोट कर लिया होगा, ये मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके बस नोट करते जाया करो फटाफट, और जो डाउट रहे वो डाउट पूछा करो। ये सारे क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूं आपको जो बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? आपको बस बेसिक्स पढ़ने और कुछ नहीं। चलो, अब कह रहा है कि आपके पास दो रेसिस्टेंस है 12-12 ओम के, R1 और R2 दोनों कितने ओम के हैं? 12 ओम के, और आपको वोल्टेज दे रखी है पहले से ही 6 वोल्ट की, तो मैं कह रहा बताओ करंट कितना है। तो ठीक है जी, पहले इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो पहले मैं पैरेलल से इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं ना, इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। नाउ R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई, ये भी 12, ये भी 12, जब नीचे सेम तो ऊपर भी क्या सेम, 2/12 कैंसिल आउट कर दो, 1/6, 1/R पलट दो, R बराबर 6 ओम, इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस क्या आया? 6। अब मुझे क्या निकालना है? करंट। नाउ बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा है? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 6। I कितना है? नहीं पता। R कितना है? 6। 6 से 6 कट गया 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी? 1 एम्पियर। 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, इसके अंदर करना है। चलो देखो बच्चों, ठीक है, ये हो गया, नोट करते जाओ बस। एक लास्ट क्वेश्चन और, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन और, फिर ज्यादातर थ्योरी है। कह रहा है कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है,
इधर जाएगा ना करंट, तो सॉरी ये 4 ओम का है, इसका रेसिस्टेंस 4 ओम है और इस बल्ब का है 20 ओम। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है टोटल रेसिस्टेंस बताओ, पहला क्वेश्चन है टोटल रेसिस्टेंस। अरे यार ये तो हद, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टोटल रेसिस्टेंस भाई ये और ये देखो किसमें है, क्या कहीं भी करंट टूट रहा है? नहीं, तो सीरीज में है, तो बस R1 + R2, 4 + 20, 24 ओम, पहला आंसर तैयार। दूसरा, दूसरा कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। भाई जब भी करंट निकालना है V इज इक्वल टू आई आर निकालो। अरे V कितना है? 6 I। R कितना है? अभी अभी निकाला 24। 24 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, 6 + 6 = 24, तो यानी I इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। लो जी फर्स्ट सेकंड भी हो गया, अब थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप सेकंड कंडक्टर। हाँ जी, अब कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि बताओ, कि बताओ अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक लैंप में और इसमें, तो अलग अलग हमें यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट। हाँ जी, नाउ सबसे पहले V1 निकालना है, तो करंट तो सबके लिए सेम है, R1 अलग हो जाएगा। R1 किसके लिए सॉल्व हो रहा है? कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर। तो V1 निकालना बच्चों, I कितना है? 1/4। R1 कितना है? 4, 4 से 4 कट गया, V1 1 वोल्ट, इसका मतलब कंडक्टर के लिए वोल्टेज है 1 वोल्ट। अब आता है फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए क्या होगा? V2 I R2। V2 I कितना है? 1/4। R2 20, कट गया 5, तो V2 कितना आ गया? 5 वोल्ट। कितना आ गया? 5 वोल्ट। तो देखो 5 और 1 6 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, आगे देखो। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि भाई इसकी ना पावर निकालो। ठीक है जी, नाउ जल्दी से बता दो, वो भी पावर किसका निकालने के लिए बोला है? पावर ऑफ लैंप, पावर ऑफ लैंप। अच्छा, तो लैंप की पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आई क्या हो जाएगा? आई आई स्क्वायर R1, याद है ना? अरे भाई पावर का फॉर्मूला होता है I² R1। ठीक है, तो आई कितना है? आई है 1/4 का स्क्वायर, और R1, R1 मतलब कौन? लैंप, सॉरी ये तो R2 है ना, R1 ये है, R2 ये, ये R2 रहेगा बच्चों, सॉरी R2। तो कितना R2? 20। तो बस 1 4 का स्क्वायर 16, 20, 4 से काटेंगे 5/4, तो पावर कितना आ गया? 5/4 वॉट। पावर कितना आ गया? 5/4 वॉट। ये फॉर्मूला लगाना है हमें, करो करो इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 ओरल है, 34 ओरल है। थर्टी फाइव ओरल, 36 ओरल, बाकी सारे ओरल है। ठीक है, तो आपके इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए बच्चों यहाँ से, और ये सारे के सारे अब आपको क्या करना है बच्चों? अब ये सारे के सारे आपको भाई प्रैक्टिस करनी है, और फर्स्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। आज ये फर्स्ट पार्ट खत्म खत्म हो गया, सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा, कल आपको सेकंड पार्ट की वीडियो मिलेगी। चलिए बाय।